हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी सेंटेप एग्जाम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें उपलब्ध कराइए। बहुत सारे मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर भी आए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को उसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सेंटेप एग्जाम के सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाले सारे वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए। और साथ में अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपको इसका PDF किस तरह से मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए, तो बायोलॉजी सब्जेक्टिव हमारा आंसर की है और ये क्लास ट्वेल्थ एग्जाम के सेंटअप एग्जाम का है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी भी तरह के सहायता के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सहायता ले सकते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था एक बीज पत्री का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए हुए। तो मैं आपके सामने एक स्वच्छ बीज का चित्र बना चुका हूँ, आप लोग इसको उतार सकते हैं या आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा एक बीज पत्री का जो है स्वच्छ नामांकित चित्र है जो आपके सामने फिगर पर दिख रहा है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों से पूछे तो आप लोग बना सकते हैं। और आप लोग अगर इसका हिंदी में चाहिए तो आप लोग इसका हिंदी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर हिंदी में बताई गई है, तो ये फिगर सिर्फ आप लोगों को इंग्लिश में बताई गई है। दूसरा आप लोगों से पूछा गया था जैव रिएक्टर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया था, जैव रिएक्टर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे। तो ये हमारा जैव रिएक्टर का स्वच्छ नामांकित चित्र है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आप लोग इसका भी ले लेंगे। यहाँ हमारा मोटर लगा हुआ है, यहाँ हमारा फोम ब्रेकर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा फ्लोट ब्लड इम्प्लेस लगा हुआ है, उसका यहाँ हमारा कल्चर ब्रोथ लगा हुआ जो घूमता है, उसके बाद ये हमारा है स्ट्रीम फोर, उसका ये हमारा pH कंट्रोल, ये ए मतलब एसिड और बेस का है। तो इस तरह से हमारा ये जो है फिगर है आपको किसका, जैव रिएक्टर का। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर आप लोगों से पूछा गया था स्वप्रभिता का उदाहरण समझाए, स्वधारण समझाए, स्वप्रभिता क्या होती है। तो इसका आप लोगों से दिया गया है जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई एक भी कारक प्रभावी ना होकर एक मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रभिता बोलते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों के मध्यवर्ती होती है। वो एग्जाम्पल आप लोगों से दिया गया है रक्त मनुष्य के शरीर में AB और तरह के रोग पाए जाते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव, तीन तरह का रक्त वर्ग पाया जाता है और इन रुधिर वर्गों का जो नियंत्रण है वो IGN करती है। और इस तरह से हम लोग मिलके मनुष्य का AB रक्त वर्ग बनते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन हम लोग का, परीक्षण संकट क्या है, इसके महत्व का उल्लेख करें। परीक्षण संकट हमारा क्या होता है, तो जब F1 पीढ़ी या किसी अज्ञात अनुवांशिक व्यक्तिगत का संकरण अप्रभावित जनक के साथ कराया जाता है तो इस संकरण के परीक्षण संकट कहा जाता है। और इस संकरण का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है, इस संकरण का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि अज्ञात अनुवांशिक व्यक्ति समयुग्मी जिसको आप लोग हेमोजीनियस बोलते हैं या विषमयुग्मी जिसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, यदि अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे विषमयुग्मी होते हैं तो इसका संकरण 50% लंबी और 50% बोनी संतानें उत्पन्न होगी। ये हमारा है परीक्षण संकट। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट हमारा रोगाणु को परिभाषित करें। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर एक बार में याद कर सकते हैं। रोगाणु मतलब वे दूषित या विषाणुयुक्त अणु जो शरीर में पहुँचकर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोगाणु कहते हैं। रोगाणु मानव शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही घातक होते हैं। और इसके जो प्रकार है वो कौन सा है, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक और परजीवी, ये सब क्या है हमारे रोगाणु के जो है आपके प्रकार है और उसके घातक तत्व है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसका PDF आप लोगों को किस तरह से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है और इसके विकसित फसलों की दो नस्लों फसलों को लिखिए। तो इसका मैं आंसर तैयार करके नहीं दिया हूँ, आप लोग अगर PDF लीजिएगा तो फिर आपको इसका PDF में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हम लोग जिस समय तैयार कर रहे थे उस समय यहाँ हमारा क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है एक्स प्लांट क्या है और इसकी क्या भूमिका है, क्या क्वेश्चन हमारा है, एक्स प्लांट क्या है और इसकी क्या भूमिका है। तो एक्स प्लांट जो है हमारा पौधे के विभिन्न भागों से लिए गए पौधे हैं और ये स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से एक फूल के पौधे होते हैं जिसे विभिन्न सक्रिय भाग जैसे पत्तियाँ,
छोटे फूल, जड़ और अंकुर जैसी और भी उपजी के रूप में एक गहन संस्कृति की शुरुआत करने के लिए हम लोग इसका उपयोग किया जाता है एक्स प्लांट का। इससे जो है उन्नत किस्म की जो है पेड़ पौधे की भी बढ़ोतरी होती है। एट में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, एट नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रतिजैविक क्या है, जिसको आप लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। प्रतिजैविक क्या है और इसके दो स्रोतों को बताएं। तो एंटीबायोटिक क्या है हमारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक, या आप लोग एंटीबायोटिक्स बोल सकते हैं। प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक होते हैं इसके दो स्रोत है, पहला हमारा पेनिसिलिन नाम के आपको मेडिसिन मिलता होगा, दूसरा हमारा सेफ्रामाइसिन। क्या है सेफ्रामाइसिन, आपको दो तरह का एंटीबायोटिक मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप लोग लेने के जाते हैं तो पहला आप लोगों को मिलता है पेनिसिलिन और दूसरा मिलता है सेफ्रामाइसिन। सेफ्रामाइसिन थोड़ा महंगा पेनिसिलिन है और पेनिसिलिन जो है थोड़ा लो क्वालिटी का, तो आप लोगों को अधिकतर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर आप लोग दुकानदार को कहते हैं एंटीबायोटिक देने के लिए तो आप लोगों को पेनिसिलिन दी जाती है, और सेफ्रामाइसिन जो हमारा एक तरह का महंगा एंटीबायोटिक है, तो आप लोगों को सेफ्रामाइसिन कभी कभी अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो वो भी एंटीबायोटिक के तौर पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रतिजैविक, आप लोग इस क्वेश्चन को VBI के तौर पर याद कर लेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है PCR के महत्व को बताएं। नेक्स्ट हमारा क्या है PCR के महत्व बताया। इस सब क्वेश्चन को आप लोग अपने सेंटर एग्जाम के क्वेश्चन से मिला सकते हैं, जिसका PDF मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया हूं। तो PCR के महत्व को बताएं। तो PCR का उपयोग किस लिए किया जाता है, PCR का उपयोग जो है DNA के अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए किया होता है, और इसका जो है मैपिंग जीन के लिए PCR का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको दो क्वेश्चन दे दिए, PCR का उपयोग किस लिए किया जाता है, PCR का उपयोग DNA के अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और दूसरा मैपिंग जीन के लिए PCR का उपयोग किया जाता है। ये दोनों हमारा क्या हो गया, PCR का महत्व हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है शिकार क्या है और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में इसके महत्व को समझाएं। तो शिकार आप लोग जनरली जानते हैं, शिकार हमारा एक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे कमजोर जीव की हत्या कर उसे अपना भोजन बनाते हैं। जैसे सांप मेंढक की हत्या कर उसे अपना भोजन बनाता है, दूसरा बाघ हिरण को मारकर उसे अपना भोजन बनाता है। इस तरह से दो उदाहरण आप दे सकते हैं, और उसका लिखिए शिकार जो है इसके महत्व जो हो गए। तो शिकार जनसंख्या को रोकने में काम करता है, अगर ऐसा ना हो तो एक ही तरह के जीवों की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे पारिस्थितिक तंत्र जो है ये काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। तो यही हमारा महत्व है शिकार का। अगर हम लोग शिकार नहीं करेंगे, एक ही जीव अगर खा ले, मतलब कि एक ही जीव की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और अन्य जीवों की जो है रहने में जो कमजोर होंगे उसकी पॉपुलेशन घट जाएगी, तो इस तरह से हमारा जो एक पारिस्थितिक सर्किल है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए शिकार हमारा एक आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा टर्नर सिंड्रोम का एक संक्षिप्त विवरण दे। तो टर्नर सिंड्रोम हमारा क्या है, तो टर्नर सिंड्रोम जो है हमारा एक अनुवांशिक सिंड्रोम है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करती है, और यह एक क्रोमोसोम की कमी या अधूरे क्रोमोसोम की उपस्थिति होने के कारण पैदा होने वाली स्थिति है। यह सिंड्रोम लड़कियों और महिलाओं में एक समान विशेषता, शारीरिक लक्षणों और चिकित्सा स्थितियों का वर्णन करता है, और इसका जो पहला उपयोग है 1938 में डॉक्टर हेडनी टर्नर द्वारा इसका वर्णन किया गया था। इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है, टर्नर सिंड्रोम जो है इसका अभी तक एक भी इलाज नहीं है, और इसका जो पहला आप लोगों का जो वर्णन किया था वो 1938 में डॉक्टर हेनरी टर्नर ने किया था, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया टर्नर सिंड्रोम। तो आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि टर्नर सिंड्रोम का जो पहला वर्णन किसने किया था, तो 1938 में हेनरी टर्नर ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा पारिस्थितिक तंत्र ने डेटिव वर्ड्स का महत्व को उल्लेख करें। तो इसका मतलब सिग्निफिकेशन हमको बताना है पारिस्थितिक तंत्र का। तो पहला आप लोग लिख सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र जो है कार्यशैली क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष में सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग को प्रतिनिधित्व करता है। तो इसकी संरचना जो है तीन भागों में होती है, पहला ऊर्जा संकट, दूसरा जैविक संकट, और तीसरा हमारा अजैविक संकट। तीसरा लिख लीजिएगा, पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, और चौथा पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश तथा उससे बढ़गमन होता रहता है। तो ये हमारा एक हो गया पारिस्थितिक तंत्र एवं डेटिवर्स का मत। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग इसकी तैयारी अपने से कर सकते हैं, आप लोग इसका आंसर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखे बने रहिएगा। टोटल 18 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन का आप लोगों को दिया गया है आंसर। 13 में क्वेश्चन हमारा समाप्ति कोडन क्या है और इसके नाम लिखे। तो ये कोडन किसी भी एमिनो अम्ल के लिए कोड नहीं करता है। समाप्ति कोडन क्या करता है, किसी भी एमिनो अम्ल के लिए कोड नहीं करता है, और ये गैर अर्थ कोडन है। ये क्या है, ये गैर अर्थ कोडन है, और इसमें कोई भी एक कोडन mRNA में आने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण प्रक्रिया रुक जाती है।
इनके जो जो नाम है वो निम है। अनुवादन प्रक्रिया के लिए समाप्ति संख्या 3 कोडन UAG, UAA और UGA द्वारा प्रदान की जाती है, इनके नाम है। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट हमारा ट्रांसजेनिक जीव क्या है और इसके महत्व को बताएं। तो जब एक जीव जिस इसकी जीनोपाइट द्वारा अनुवांशिक गड़बड़ी की शुरुआत एक नए जीन के अपने जीनोम के द्वारा बदलना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, एक ऐसा जीव जिसे बनाने में कृत्रिम ढंग से दूसरी प्रजाति के जंतु का जीन शामिल हो। ट्रांसजेनिक क्या हो गया, इसमें हम लोग कृत्रिम तरीका से जो है जीन को लाते हैं और जीव का एक निर्माण करते हैं। इसके जो महत्व है, इसका महत्व वैसे पशु के लिए क्या होता है, ट्रांसजेनिक पशु उत्पादों में पोषक तत्वों के सुधार की अनुमति देता है और ट्रांसजेनिक तकनीक पोषण संबंधी लाभदायक लक्षणों को रूपांतरित करता है। अब 15 में क्वेश्चन हमारा बहुपरभिता का सदो उदाहरण समझाए। तो बहुपरभिता क्या है, एक एकल जीन द्वारा कई लक्षणों में अभिव्यक्ति को संदर्भित करता है और ये लक्षण संबंधित हो सकते हैं या नहीं ये हमको बताता है। और इसको हम लोग दूसरा नाम क्या है इसका, इसका दूसरा नाम हमारा है पेलिस्ट्रोप्सिम, को पहली बार अनुवांशिक ग्रिगोर मेंडल ने देखा था, जो मटर के पौधे के साथ अपने प्रसिद्ध अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। मेंडल ने देखा कि पौधे के फूल का रंग हमेशा लीफ एक्सिल के रंग में संबंधित होता है और जीव का कोट होता है। तो यही हमारा हो गया बहुपरभिता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिस्ट्रोप्सिम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 16 में क्वेश्चन है, मैक्रो इंजेक्शन क्या है और इसके उपयोग को बताएं। तो मैक्रो इंजेक्शन क्या है, मैक्रो इंजेक्शन हमारा एक टेक्निक है जो पुनः संयोजक DNA को सीधे एक जानवर के नाभिक में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें एक ग्लास मैक्रोक्रिप्टिन के माध्यम से विदेशी DNA को सीधे जीवित कोशिका तंतु या भ्रूण में शामिल हो सकता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है पेलीड्रोमिक अनुक्रम का संक्षेप वर्णन करें। तो पेलीड्रोमिक अनुक्रम एक दोहरे फंसे हुए DNA और RNA के नाइट्रोजन के आधार पर एक क्रम है जिसमें जब 5 अंत में और 3 अंत तक पढ़ा जाता है तो उसको पूरक स्टैंड पर और 3 अंत से 5 अंत तक पढ़ा जाता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं GATTC 5 से हम लोग स्टार्ट किए तो 3 तक पहुँचे, 3 से स्टार्ट किए तो 5 तक पहुँचे, ये हमारा हो गया अनुक्रम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 18 में क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक शक्ति या इसके और क्या है और इसके प्रकार का उल्लेख करें। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, हमारा इम्यूनिटी, ये किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों से शरीर को लड़ने की क्षमता देती है और यही हमारे शरीर के बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति प्रदान करती है। कौन, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थ की अहम भूमिका होती है। इनके जो प्रकार है, पहला हमारा इनेटेड इम्यूनिटी और दूसरा है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस तरह से हमारा है रोग प्रतिरोधक शक्ति का। अगर आप लोग इसका PDF लेना मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं इसके PDF पर। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना है, इसमें हम लोग यहाँ पर शॉर्ट टाइप सिर्फ डिस्कस किए हैं, लॉन्ग टाइप अगर आप लोगों को PDF प्राप्त करना है, क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग टाइप भी देते हैं तो फिर ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो लॉन्ग टाइप अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9572222339 पर मैसेज करके इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का PDF प्राप्त कर सकते हैं और आपको सभी पेपर का जो है PDF वहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को हमारे WhatsApp नंबर इस पर मैसेज करना है ताकि आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड हो सके। तो आप में से जिस भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ स्टैंडर्ड चार्ज अप्लाई करने होंगे जो आपका है 11 रुपीज। आपको इसको PDF प्राप्त करने के लिए आपको 11 रुपीज पे करने होंगे तो आपको इसका PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप लोग इसका 11 रुपये पे नहीं कर सकते हैं तो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप हमें WhatsApp पर मैसेज करके वहाँ अपनी राय दे सकते हैं। तो अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर किसी तरह की कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग देने में 11 रुपीज असमर्थ हैं तो फिर भी आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से चार्ज इसलिए अप्लाई किया क्योंकि इसमें हम लोगों को टाइपिंग कॉस्ट आ जाता है। टोटल आप देख सकते हैं ये हमारा 8 पेज है और आप लोग जनरली टाइपिंग करवाते हैं तो आप लोग उसका चार्ज जोड़ सकते हैं। इसको टाइपिंग करवाने में हम लोगों को 176 रुपीज़ खर्च हुई है। आप लोग देख सकते हैं जनरली अगर आप कहीं भी टाइपिंग कराएं तो 22 रुपीज़ चार्ज लेते हैं टाइपिंग करने का। इसलिए आप लोगों को थोड़ा PDF देने में हम लोगों को टाइम भी लग रहा था क्योंकि इसका PDF जिसको टाइपिंग करने के लिए दिए तो उसे वह टाइम लगा रहे थे। तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि हम लोगों को 176 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो आप लोग जो है अगर हेल्प कर सकते हैं तो बहुत ही मेहरबानी होगी अगर आप लोग हेल्प कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।